कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर पर दस्तक देने के एक महीने बाद मंगलवार को अपना पहला ट्वीट किया। उन्होंने साबरमती आश्रम का जिक्र किया और महात्मा गांधी के एक कथन का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रपिता हमेशा हिंसा के खिलाफ रहे। अहमदाबाद में कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक में शामिल होने के बाद प्रियंका ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, साबरमती की सादगी में सत्य जीवित है। प्रियंका 10 फरवरी को ट्विटर पर आई थी। हिंसा में बुराई होती है। प्रियंका ने गांधी जी के एक कथन का हवाला देते हुए दूसरा ट्वीट किया, अगर हिंसा के मकसद में कुछ अच्छा दिखता है तो वे अस्थाई है। हिंसा में हमेशा बुराई ही होती है। देश में नफरत फैलाई जा रही। इससे पहले प्रियंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में उन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में चारों तरफ नफरत फैलाई जा रही है, जिसका सभी को मिलकर मुकाबला करना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को ताकीद दी कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की लगातार कोशिश की जाएगी, लेकिन वे रोजगार, किसानों और महिला सुरक्षा के मुद्दों को लेकर सवाल पूछते रहे। साबरमती आश्रम में आंसू आ गए। प्रियंका ने यहां कांग्रेस की जनसभा में कहा, पहली बार गुजरात आई हूं और पहली बार उस साबरमती आश्रम गई जहां से महात्मा गांधी ने आजादी के लिए संघर्ष की शुरुआत की थी। वहां बैठकर लगा कि आंखों में आंसू आ जाएंगे। उन लोगों की याद आई जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ उछावर कर दिया। यह देश प्रेम, सद्भाव और आपसी प्यार के आधार पर बना है। आज जो कुछ देश में हो रहा है उससे दुख होता है।